हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, साल 2022 की जिन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है उनमें कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 भी शामिल है जो पैन इंडिया रिलीज होने जा रही है। देखा जाए तो हिंदी लैंग्वेज के दर्शकों के बीच भी इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है। सभी इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि फिल्म से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट फैंस को एक्साइट करता रहता है। KGF के फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है और वो अपडेट है फिल्म के विलन संजय दत्त की। खबरों की माने तो संजय दत्त ने डबिंग का काम पूरा कर लिया है, यानी फिल्म रिलीज के कुछ और नजदीक पहुंच गई है। वैसे फिल्म 2022 में 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। संजय दत्त ने यह जानकारी शेयर करते हुए लिखा, अधीरा एक्शन में लौट आया है। KGF चैप्टर 2 के डबिंग सेशन खत्म हो चुके हैं और फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने के रास्ते पर चल पड़ी है। संजय दत्त ने ट्वीट किया है, अधीरा इज बैक इन एक्शन, द डबिंग सेशन आर डन फॉर KGF चैप्टर 2 एंड इज ऑन इट्स वे टू थिएटर नियर यू ऑन 14th अप्रैल 2022। इस पोस्ट के साथ ही संजय दत्त ने 4 फोटोज अपडेट किए, वो भी कॉलेज में, जहां वो दिखाई दे रहे हैं डबिंग स्टूडियो में। संजय दत्त ने ब्लैक गोल्ड मिक्स में शर्ट पहनी हुई है। इस लुक में संजय दत्त कहर ढा रहे हैं, साथ ही साथ वो प्रशांत नील के साथ भी दिखाई दे रहे, जहां प्रशांत नील ने ग्रे कलर की ही टी शर्ट पहनी हुई है। वेल दोस्तों, ये अपडेट है तो काफी ब्रेकिंग न्यूज वाली। इंतजार रहेगा फिल्म का और फिल्म के सेकंड ट्रेलर का। मेकर्स कब फिल्म का सेकंड ट्रेलर रिलीज करते हैं? वेल, आपको इस लुक के बारे में और इस अपडेट के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।